उचाना में एक साधारण किसान के घर जन्मी पुलकित कंदोला ने जॉर्डन में अपने दमखम का ऐसा प्रदर्शन किया जिस पर हरियाणा ही नहीं पूरा देश नाच कर रहा है। बुडायन गांव की पहलवान बेटी पुलकित कंदोला ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया है। पुलकित का पहला मुकाबला जर्मनी की पहलवान के साथ हुआ जिसमें पुलकित ने 9-2 से जीत हासिल की। दूसरे मैच में चीन की खिलाड़ी को 9-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं क्वार्टर फाइनल में इटली की पहलवान को पुलकित ने 9-0 से पटकनी दी और सेमीफाइनल में इजराइल को 3-0 से चित कर दिया। इसके बाद वीरवार रात 10 बजे हुए फाइनल मुकाबले में पुलकित ने रसिया की पहलवान को 6-3 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बेटी के गोल्ड मेडल जीतने की खबर से पूरा परिवार और गांव झूम उठा है और हर तरफ लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। मेरी बेटी ने पूरे गांव की बेटी, मैं उसका दादा हूँ सौभाग्य से, और वो श्री प्यारेलाल की पोती है। और इस गांव में, बुडायन गांव में, एक घर घर में माहौल नहीं, पूरे गांव में बड़ा खुशी का माहौल है। जब से ये न्यूज गांव पे आई है, मतलब हर घर में एक दूसरे को मतलब शुभकामनाएं देना, कांग्रेचुलेशन देना, और पूरे गांव में खुशी की मतलब लहर दौड़ रही है कि कब हमारी बेटी आए और हम उसके स्वागत में फूल मालाओं से उसका स्वागत करें और अब सर आंखों में बैठाएं। पुलकित ने प्रेरणा कहां से ली इस गेम? पुलकित वैसे तो एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से संबंध रखती है, क्योंकि इनके दादा श्री प्यारे लाल जी हमारे गांव में एक बहुत ही अच्छे कबड्डी के, सर्कल कबड्डी के खिलाड़ी हुआ करते थे। और इनके बच्चे जो इनके पिताजी हैं पुलकित के, वो एक अपने बाप की इस विरासत को रखने के लिए वो अपन खुद प्लेयर ना बनकर अपनी बेटी को एक थाना कि इस गांव में अभी तक कोई भी बेटी इस स्तर पर नहीं गई और मैं ऐसा खेल दिखा उसको मतलब सिखाऊं एक पर्सनल, क्योंकि टीम गेम में कई बारी बाधा आ जाती है और जब इंडिविजुअल गेम होता है उस गेम में वो अपना सब कुछ दिखा सकता है। तो वो जैसे एक हमारे यहाँ निदानी है, वहां एक लड़कियों की अच्छी रेसलिंग होती है और भी कहीं दंगल देखे, तो उसमें एक ये दंगल पिक्चर देख के भी उसको काफी प्रेरणा मिली और ये खेल उससे बैकग्राउंड से था, तो उसने अपनी बेटी को एक रेसलर बनाने की ठानी। पुलकित के पिताजी क्या काम करते हैं? पुलकित के पिताजी एक साधारण किसान हैं। 6 साल पहले पुलकित कंदोला ने कुश्ती के दंगल में कदम रखा था। 2 साल पहले किर्गिस्तान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था, मगर उस दौरान पुलकित के घुटने में चोट लग गई थी, लेकिन बावजूद इसके वो कुश्ती लड़ती रही और सिल्वर मेडल जीता। पुलकित के पिता प्रभात एक साधारण किसान हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की प्रतिभा को देखते हुए उसे कुश्ती के मैदान में ले गए और आज उस किसान की बेटी ने गोल्ड मेडल जीत हरियाणा ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। बहुत खुशी का माहौल है, हमारी पोती मेडल लाई, बहुत खुशी हुई पूरा परिवार का, पूरा गांव में बहुत खुशी है। कहां तक पढ़ेगी ये गुड़िया? ये अभी पढ़ाई शुरू कर रही है, 12वीं लगा है। कौन से स्कूल से? यजीन से। पिताजी क्या करते हैं इसके? खेती करते हैं। और ये जो शौक खेल, किस चीज में गोल्ड मेडल लिया गुड़िया ने? या 65 kg में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होटल में हुई थी। और ये गुड़िया मतलब क्या क्या खाने की शौकीन है? ये बस युवे जो आम खाना हुआ है। बेटी पुलकित की कामयाबी पर परिवार में बुडायन गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हर कोई अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रहा है ताकि गोल्ड मेडलिस्ट की बेटी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत कर सके। बता दें कि पहलवानी के दंगल में हरियाणा की बेटियां दुनिया में भारत का नाम बढ़ा रही हैं। पेरिस ओलंपिक में भी हरियाणा के स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने फाइनल में जगह बनाकर सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था, लेकिन 100 ग्राम ओवरवेट के चलते विनेश को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। उचाना से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।